स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर क्लास 12th ए। इन क्लास 12th ए टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नरेशन। एज आई गेव यू रूल्स ऑफ द नरेशन यस्टरडे, आफ्टर देन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। व्हाट आई टीच यू यस्टरडे आई एम गोइंग टू रिपीट इट। After then I will start my interrogative sentences। देखो बच्चों, पहले हमने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या कौन कौन से रूल्स लगते हैं। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है हमारा, वो कई वैरायटी से बनता है। नंबर वन पे सिंपल सेंटेंस है, नंबर टू पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नंबर थ्री पे इंपरेटिव, और नंबर फोर पे एक्सक्लामेटिव, और नंबर फाइव पे ऑब्जेक्टिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम पांच प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल सेंटेंस, जो कि हम कल आपको एक बार पूरा रिपीट कर चुके हैं। अब उसके बाद दोबारा देखिए, हमने आपको कल क्या क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हमारे सारे टेंस बदल जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देन आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल नंबर सेवन है आपका, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज। क्लियर? अब आइए, आपको जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब आइए कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को विल में, मे को माइट में, इत्यादि में चेंज करते हैं, और मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को विल में, मे को माइट में, आपने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिस को दैट में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं चेंज करते? वैसे तो चेंज करते हैं, लेकिन ये हमारा एक अपवाद है कि दिस को दैट में, हेयर को देयर को, देयर में और नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब कहते समय कहने वाले के सामने वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान उपस्थित हो जिसके बारे में बात हो रही है, तो हम चेंज नहीं करते। मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझाया था। उसके बाद मैंने तीन प्रकार के ट्रूथ समझाए थे, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिटुअल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हमारे दो प्रकार से बनते हैं। एक में रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और दूसरे में रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में क्या होता है, पहले सुन लीजिए उसके बाद बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब दो प्रकार से, मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज दो प्रकार से चेंज होते हैं, मतलब दो प्रकार से बनते हैं। एक में रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और दूसरे में रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होती है। तो आप दोनों पहले एग्जांपल देख लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच, हमने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू होता है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, और फिर यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो हम कॉमा से जाकर की फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में
यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, जो क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा उसी को एज ए कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या होता है एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ड मेरी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होती है तो इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं कॉमा एंड ग्लोटल कॉमा हटाकर, और यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजंक्शन यूज करती हैं, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव कर देती हैं। देखिए आप देखिए इसको, मीरा सर है, देखिए हाँ देखिए बच्चों, जैसे आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब से को आज या इंक्वायर भी चेंज करते हैं, आज या इंक्वायर भी चेंज करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो इफ या वेदर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होती है तो क्वेश्चन वर्ड को ही एज ए कंजंक्शन यूज कर देते हैं, उसके बाद सेंटेंस को एसर्टिव कर देते हैं। एसर्टिव का मतलब है इंट्रोगेटिव से हटाकर अफर्मेटिव वाला एसर्टिव चेंज कर देते हैं। तो मीरा सर क्या लगा, मीरा आज कॉमन का प्रयोग अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यदि वहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो थर्ड पर्सन का मान जो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर दिया, मीरा आज ही। अब ये रिपोर्टिंग मतलब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग टेंस बदल जाएगा विद इन कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, मीरा आज रिपोर्ट ही वाज टीचिंग एट एल, ओके नाउ माय फादर सेड मी। अब हमारे मोबाइल लगा है, जो भी क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो एक मैंने आपको आज का दे दिया है और एक मैं आपको इंक्वायर्ड का दे रही हूँ। तो माय फादर सेड इंक्वायर्ड का प्रयोग, माय फादर इंक्वायर्ड कॉमन टू कॉमन जाकर वाई एज ए कंजंक्शन का यूज कर दिया, वाई वाई के बाद फिर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन का है ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, आई आ गया आई। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदल जाएगा, वाई आई वाज वीपिंग। ये है बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपको ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आपको हम थोड़े से सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बोल रहे हैं जो आपको घर के लिए नोट कर लीजिए, सभी बच्चे नोट करें। सभी बच्चे घर के लिए नोट करें। मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड पर अपनी कॉपी पे जल्दी से नोट करिए बच्चों, और सभी बच्चे ये बताइए आप लोग अपना वर्क क्यों नहीं सेंड करते हैं। जब आप अपना वर्क सेंड नहीं करेंगे तो आपकी कॉपीज चेक नहीं होंगी, और कॉपीज चेक नहीं होंगी तो आपको पर डे का जो वन मार्क्स मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें और वर्क अपना डेली सेंड करें ताकि उनकी कॉपी चेक होके उनको नंबर मिल सके। नोट करिए बच्चों सेंटेंस मैं आपको बोल रही हूँ, सिंपल सेंटेंस वाले कि मीरा सेज जो कल और आज पढ़ाया वो दोनों का होमवर्क आज भेज रहे हैं। मीरा सेज आई एम डांसिंग, मीरा सेज कॉमा एंड ग्लोटल कॉमा बिगन आई एम डांसिंग। आगे लिखिए द स्टेशन मास्टर सेड, नंबर टू है सेंटेंस द स्टेशन मास्टर सेड कॉमा एंड ग्लोटल कॉमा बिगन द ट्रेन इज लेट बाय टू आवर्स।
द ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर्स. फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सेंटेंस. द स्टेशन मास्टर सेड द ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर्स. आगे लिखिए. I said comma and quarter commas begin. I said comma and quarter commas begin. C is reading a novel. Comma and quarter commas begin. C is reading a novel. Full stop, comma close कर दीजिए. आगे नोट करिए बच्चों. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नोट कर लीजिए. नोट करिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लिखिए आई सेड टू माई अंकल कॉमा एंड क्वार्टर कॉमास बिगेन. Will you take lunch with me? क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज कर दीजिए. क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज कर दीजिए. आगे लिखिए. The pune said to me. Why are you standing here? आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4. सॉरी सेंटेंस नंबर 6 है शायद आपका. ये सेंटेंस नंबर 6 आगे लिखिए. द प्रिंसिपल सेड कॉमा एंड क्वार्टर कॉमास बिगिन. Who will teach English to class 9th? The principal said, Who will teach English to class 9th? एक और लिख लीजिए. The officer said to me, comma and quarter commas begin. How old are you? Class 12th. All the student, you are not sending your homework daily. I repeat my request many times. You will unable to get 1 mark each day. Okay, beta, thank you. You have to send your work per day. Or then you will get 1 mark per day. Okay, thank you, class.